आज क्या हो रहा है? आज यहाँ भागवत कथा है, शिव ठाकुर द्वारा मंदिर में भागवत कथा है, मनी माजरा कम्प्लेक्स में। यहाँ तो पहली जुलाई से लेके 7 जुलाई तक भागवत कथा चलेगी। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आने की कृपा करो। और आज क्या हो रहा है यहाँ पे? आज यहाँ पे कलश यात्रा है, उसके बाद आप सब क्या कर रहे हो? कलश भरने की तैयारी? ये नए कलश आए हैं और कलश यात्रा कर रहे हैं, कलश भरने की तैयारी हो रही है। और आज क्या हो रहा है यहाँ पे? कलश यात्रा में आए मैडम? अच्छा जी, और कौन है आपके साथ? हमारी ये मंडली अजीगाँव कीर्तन मंडली। अच्छा, ये हम हर साल ठाकुर द्वारे भगवान की कृपा है कि हर साल कथा होती है। चलो बहुत अच्छा, दर्शन होती है वो भागवत के बाद में। बहुत, ये बहुत अच्छी बात है। से भी जुड़े हैं से। अच्छा, वहाँ पे भी हमारा से हो जाता है और यहाँ की कथा भगवान की बड़ी कृपा है जो हर साल सेवा लेते हैं। और हम कहते हैं कि सब इस परिवार से जुड़े। अच्छा जी, नमस्ते जी, नमस्ते। ये वकील अंकल है हमारे। अच्छा, चंडीगढ़। नमस्कार अंकल जी, क्या हाल है आपका? नमस्कार, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, स्वस्थ रहिए। हमारी तो यही बनता है, हमारा कर्म भी बनता है कि हम सनातन से जुड़े और ये धार्मिक कार्य होते रहे ताकि हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती रहे, आने वाली पीढ़ी भी हमारी इन कार्यों से जुड़े। और जो जितना बच्चा इस कार्यों से जुड़ेगा वो दूसरे गलत रास्ते से बच जाएगा। ये बहुत अच्छी भावना है। आजकल आप भी देख रहे हो कि जो भागवत के माध्यम से हमारे गुरु जी सुभाष जी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनकी कम से कम भी जो है ना, ज़्यादा नहीं तो साल में 15-20 कथाएँ होती हैं रेगुलर चंडीगढ़ के हर क्षेत्र में, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल में भी की इन्होंने। अच्छा, और यहाँ ठाकुर द्वारे में तो राम की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल कथा होती है। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आज आपने दर्शन दिए भागवत कथा। आप आए हो और आप कोशिश करना कि आप जो है ना रोजाना हाजिर। जय गो माता, जय भागवत, जय गो। ओम श्री प्राण सोमाय नमः। ओम माए नी माए शाम लगता।
जोड़ो सरकार की जय। राष्ट्र माता गौ माता, राष्ट्र माता गौ माता, राष्ट्र माता। हाँ जी मीनाक्षी जी, कलश यात्रा शुरू होने वाली है, तैयार हो आप? बहुत मजा आ गया। हेलो जी की कृपा हमेशा बनी रहे, कृपा हमेशा बनी रहे। Thank you.
चलो चलो
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।